प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों के साथ मनाई दीपावली, कहा सशस्त्र बलों की सतर्कता और पराक्रम की बदौलत देश सुरक्षित। धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा का पर्व, मुख्यमंत्री ने गौरा गौरी पूजन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रदेश भर में मनाया जा रहा है गौठान दिवस, गृहमंत्री ने पौवारा के गौठान में की गौवंश की पूजा। और प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीणों के पक्के मकान का सपना हुआ पूरा, धनतेरस के दिन कोटा के 50 परिवारों ने किया गृह प्रवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियंत्रण रेखा की रक्षा में तैनात सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे। सैनिकों से संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारतीय रक्षा बलों के पराक्रम की प्रशंसा की और कहा कि उन्हीं के दम पर यह संभव हुआ है कि केंद्र सरकार वह फैसले ले पाई जो असंभव माने जाते थे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेना के साहस और शौर्य का उल्लेख किया और देश के लोगों की ओर से उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। पराक्रम की पराकाष्ठा करने का आपका जो मिजाज है, वो मिजाज कभी पराजित होने नहीं देता है और इसलिए आज मुझे उस भूमि को प्रणाम करने का मौका मिला है, उन वीरों के दर्शन करने का अवसर मिला है जिन्होंने पिछले 70 साल की परंपरा में बलिदानों की भी पराकाष्ठा की है, पराक्रम की पराकाष्ठा की है और परम विजय प्राप्त करकर ही चैन लिया है, ऐसे आप लोग। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब समूचा देश परिवार के साथ दीपावली मनाता है तो मैंने भी एक नियम बनाया है कि मैं भी दीपावली अपने परिवार के साथ मनाऊं। जनों के बीच में मनानी चाहिए और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवार जनों के बीच में मनाऊं और इसलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया। श्री मोदी ने यह भी कहा कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना यह दर्शाता है कि देश के नागरिक सुरक्षा बलों का कितना आदर करते हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय सुरक्षा बलों को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सैनिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। देश की सेवा करने का दायित्व मिला है, हमारी सेना सामर्थ्यवान हो, हमारी सेना आधुनिक हो, हमारे जवान विश्वास से भरे हुए हो और इसके लिए जो भी आवश्यकता है उसमें हमने कोई कमी नहीं रखी है। तेज गति से निर्णय हो रहे हैं, तेज गति से चीजें आगे बढ़। राजौरी से वापस लौटते समय श्री मोदी ने पठानकोट वायुसेना केंद्र पर वायुसेना कर्मियों और सेना के जवानों के साथ बातचीत की। सीमा पार से लगातार शांति समझौते के उल्लंघन की घटनाओं को देखते हुए सीमा पर ताजा स्थिति जानने के लिए उन्होंने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सीमा की रक्षा के लिए जवानों और अधिकारियों की तारीफ की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब की दो दिन की यात्रा के लिए रवाना होंगे। श्री मोदी आज देर रात रियाद पहुंचेंगे। वे कल सऊदी अरब के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के तीसरे सत्र को संबोधित करेंगे। वे सऊदी नरेश सलमान बिन अब्दुल अजीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ताओं में हिस्सा लेंगे। युवराज उनके सम्मान में रात्रि भोज भी देंगे। श्री मोदी की सऊदी अरब की यह दूसरी यात्रा है। दूरदर्शन समाचार संवाददाता से बातचीत करते हुए सऊदी अरब में भारत के राजदूत औसफ सईद ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों में आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। There are 12 agreements being signed, and apart from the strategic partnership agreement, there is an important agreement on the security cooperation. There is an agreement on defense for defense procurement, defense industries. There is an agreement on renewable energy. We are going to launch the rupee gateway, in Saudi Arabia, which would definitely help the huge Indian diaspora of 2.6 million and also the Indian tourists and pilgrims, Hajj and Umrah pilgrims will come. इससे पहले प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि दोनों देश महाराष्ट्र के रायगढ़ में महत्वाकांक्षी पश्चिमी तट रिफाइनरी परियोजना को अंतिम रूप देने और उसे आगे बढ़ाने के बारे में भी बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा निवेश कोष में सऊदी अरब के योगदान को अंतिम रूप दिया जाएगा। देश सहित प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा का पर्व आज परंपरा और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा को गौठान दिवस के रूप में मनाने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास में गौठान दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने गोवर्धन पूजा कर प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर राउत नाच का आयोजन किया गया। गोवर्धन पूजा के दिन गायों को खिचड़ी खिलाने की परंपरा है। मुख्यमंत्री ने गायों को खिचड़ी खिलाई। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम, कवासी लखमा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इसके पहले मुख्यमंत्री दुर्ग जिले के जंजगिरी गांव में आयोजित गौरा गौरी पूजन में भी शामिल हुए। उन्होंने धार्मिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की। गौठान दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले के ग्राम पौवारा में आयोजित कार्यक्रम में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। उन्होंने गोवर्धन पूजा के साथ गौठान की पूजा की और गायों के गले में सोहई बांधकर खिचड़ी खिलाई। श्री साहू ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संवर्धन के लिए आज के दिन को गौठान दिवस के रूप में मना रही है। हमारे ग्रामीण अंचल में लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज ये सब हम लोग मनाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता की पूजा की जाती है, सेवा की जाती है, खिचड़ी खिलाया जाता है। तो उनका सोच था कि इस दिन को गौठान दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि उनका एक महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बारी, उसमें गौठान भी एक पार्ट है। और गौठान को मजबूत करना, घेरा करना, वहाँ जानवर के लिए, मवेशी के लिए सारी व्यवस्था करना, शेड बनाना पेयजल की, चारे की, और उसके पीछे गांव के लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। जैसे जैविक खाद बनाना है, गौमूत्र की दवाइयाँ बननी है, गोबर के कंडे बनने हैं, बहुत गोबर का गैस बनना है जो रसोई में भी काम आए, तो आजीविका का भी एक साधन उससे बनना है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज गौठान दिवस पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस दौरान राउत नाचा भी आकर्षण का केंद्र रहा।
आज ही के दिन अन्नकूट का त्यौहार भी धार्मिक उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया जा रहा है। रोशनी का पर्व दीपावली प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने दीये जलाकर मां लक्ष्मी की आराधना की। बच्चे और बड़ों ने मिट्टी के दीये जलाकर घर सजाए, वहीं छोटे बच्चे फुलझड़ी और आतिशबाजी कर दीपावली की खुशियां मना रहे हैं। वहीं प्रदेश के माओवाद प्रभावित इलाकों में तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी दीपावली का त्यौहार मनाया। इन्होंने दीप जलाया और मंदिरों में पूजा अर्चना की। भिलाई स्थित बीएसएफ के कार्यालय में अधिकारियों ने जवानों के साथ मिलकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। बीएसएफ के महानिरीक्षक जेएसएनवी प्रसाद ने परिवार से दूर रहकर सुरक्षा में लगे जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। ऐसे सभी देशवासियों को और बंधु मित्र बीएसएफ वालों को सबको मैं बीएसएफ की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं और यही कहूंगा ये दिवाली हर्ष उल्लास से मनाएं और मनाते समय हमें भी थोड़ा याद करें, क्योंकि परिवार से दूर होकर हम सभी यहां पर रहते हैं और जो दिवाली हम मना रहे हैं ये हमारे दिवाली है यहाँ पर, तो याद करें हमें और दिवाली मनाएं सब। जय हिंद। प्रदेश भर में उत्साह के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसमें सभी लोग शामिल होकर खुशियां बांट रहे हैं। बिलासपुर जिले में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दीपावली को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों को धनतेरस के दिन इन आवासों में गृह प्रवेश करवाया। इससे उनकी दीपावली की खुशियां दोगुनी हो गई। जिले के लगभग 500 हितग्राहियों ने पूजा अर्चना कर इस शुभ दिन में अपने घरों में प्रवेश किया। कोटा जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी संध्या रानी कुर्रे ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि धनतेरस के अवसर पर 50 हितग्राहियों को मकान दिए जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन सब नए वस्त्र, नए गहने और नई चीज़ों का शुभारंभ करते हैं। उसी को थीम मानते हुए हमारे जिले में, बिलासपुर जिले में, हमने 450 मकान का हमको जो टारगेट दिया गया था कि गृह प्रवेश कराना है, तो उसी में से कोटा ब्लॉक में आज के दिन 50 आवासों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम हमने किया गया है। जब से ये योजना लॉन्च हुई है सन 2016-17 से लेके अब तक हमने कोटा ब्लॉक में 8,143 आवास पूर्ण कर लिए हैं और 19-20 के लिए हमें 1770 का नया टारगेट मिला है जिसे हम जल्द ही पूर्ण कर लेंगे। दीपावली के दिन अपने आशियानों में सपरिवार प्रवेश करने वाले इन ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है। इन ग्रामीणों का कहना है कि कच्चे मकान के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, मगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलने से उन्हें अब इन परेशानियों से निजात मिल गई है। नया साल में नया मने योजना, पहले तो बहुत परेशान में रहे सर, एकदम खपरा वाले घर में पानी कांजी चूहा एक रहते माँ। प्रधानमंत्री योजना माँ जो मिल गए वही माँ मिला जुला के मजदूरी करके मिला के बनाए हैं सर। गैस चूल्हा मिले है, पहले तो लकड़ी में बनावत रहे, अब गैस चूल्हा भी दे दी सरकार है, अब गैस चूल्हा में बनावत हैं। अब धुआं पानी गिरत गुंगवावा है, एकदम पानी में गीला हो जाए, मुश्किल में खाना बनत रही। घर पहले माटी खबर लगे घर में रहते रहे, आए बरसात में पानी सब नीचे आ बंदरा मेरे कूदे खबर है उड़ जाते रही से और बहुत ज़्यादा परेशानी जाए। गर्मी में धूप अंदर चले जाते रही से, ठंडा में ठंडा हवा अंदर प्रवेश करे, और आज पक्का मकान मिले ले ये सब कुछ से बच के सुखमय जीवन की उम्मीद है कि अच्छा सुखमय जीवन रही। आज धनतेरस के दिन बहुत बड़े भाग्यशाली हम जन, आज धनतेरस दिन हमने गृह प्रवेश माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए हैं और हमारे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बोला। इधर ये कहानी अब मैं कहा बताऊं, पहले तो हम खपरा वाले कच्चा मकान में रहते रहे हैं, बहुत बड़े परेशानी आते रही हम लोग रह के, कभी बेंदरा कूदते रही से, कभी चैन से सो नहीं पाते रहे हैं, गर्मी बहुत झेले पड़ी से हम लोग थे। अरे सरकार अपन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण देश है ना, तब से बहुत बड़े मदद दिस के हम लोग थे ग्रामीण सरकार है बना के आज बढ़िया से रहन की थे और सरकार की ये अच्छा करी से जो आज धनतेरस के दिन
हमें आज बहुत शुभ कार्य करके उद्घाटन को साहब भेजी सकी दे और ये साहब मंगसा भी दर्शन मिली से नहीं। धनतेरस के दिन लोग नए आभूषण, गाड़ियां और गृह उपयोग के सामान खरीदते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को नए आवास दिलाने का प्रशासन का यह प्रयास सराहनीय है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों के साथ मनाई दीपावली, कहा सशस्त्र बलों की सतर्कता और पराक्रम की बदौलत देश सुरक्षित। धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा का पर्व। मुख्यमंत्री ने गौरा गौरी पूजन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रदेश भर में मनाया जा रहा है गौठान दिवस। गृह मंत्री ने पौवारा के गौठान में की गौवंश की पूजा। और प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीणों के पक्के मकान का सपना हुआ पूरा। धनतेरस के दिन कोटा के 50 परिवारों ने किया गृह प्रवेश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।